दोस्तों आप सबका स्वागत। और एक मैं आपको अलग से एक सच्ची घटना पे आधारित, जिसका नाम दिया है मैंने मेरी दास्तान। मेरी दास्तान में कई भाग बनेंगे और ये बिल्कुल सत्य घटना है। हो सकता हो ये मेरी हो, मैं सब बताऊंगा आपको। और अभी मैं पहला भाग इसका प्रसारित कर रहा हूँ। थोड़ा इसमें समय का कुछ परिवर्तन होने से और कुछ पात्र इसके मौजूद होने से थोड़ा नाम बदल किया है। सुनिए मेरी दास्तान भाग एक। हाँ, मेरी दास्तान अजीब है, मैं बयान नहीं कर सकता। किसी को राजे दिल बात बता नहीं सकता। मेरी दास्तान अजीब है, मैं बयां नहीं कर सकता। किसी को कह नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता। आगे सुनना। मेरी दास्तां मुझको उकसाती रहती है, कुछ न कुछ कहने को आतुर रहती है। मेरी शर्म हया को डुबोना चाहती है, दफनाई हुई चिंगारी की ओर हवा देना चाहती है। मैंने लाख समझाया, समझती ही नहीं, दर्द दिल को जगा देती है। अब मैं उसका कहा मान भी जाऊं, जो कहना चाहूं कह भी पाऊं, तो मैं कह भी नहीं सकता। मेरी दास्तां अजीब है, मैं बयां नहीं कर सकता। मैं बयान नहीं कर सकता। आगे सुने आप, बहुत प्यारा शेर है। अब मैं जा रहा हूँ, आगे नहीं पीछे जा रहा हूँ, उन गलियारों को खोजने, खंडहरों के उखड़े पत्थरों को सरकाने, उनकी बेबसी पे चार फूल चढ़ाने जा रहा हूँ। वे भी मेरी तरह अपनी अपनी दास्तां को कहना चाहते हैं, मेरी साक्षी लेना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि वे बहुत उम्र दराज हैं, कईयों के आंसू कईयों के राज छुपाए हुए हैं। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वे अगर बोल गए, अपना मुंह खोल गए, तो मैं अपने को बचा नहीं सकता। मेरी दास्तां अजीब है, मैं बयां नहीं कर सकता, बयां नहीं कर सकता। आगे सुनिए आप। एक दिन ग्रामोफोन पे कोई रिकॉर्ड बोल रहा था, शायद हिज मास्टर वॉइस पे इथला रहा था। रिकॉर्ड में कुत्ता बैठा था, कदाचित यही होनहार था, बीच में रहना पसंद करता था। मैं उसको किस्मत वाला समझ रहा था, जब दिल ही टूट गया गुनगुना रहा था। मैं धीरे से वहाँ से सरकना चाहता था और वहीं जाना चाहता था, जहाँ मैं जा नहीं सकता। मेरी दास्तान अजीब है, मैं बयां नहीं कर सकता, मैं कह नहीं सकता। आगे सुने आप। एक दिन कठपुतली वाले आए, गांव में चर्चा होने लगी, बहुएं सजने लगी, चौपाल पे सब जने बैठ गए, मन में बहुत खुश हुए। नौ मन की धोबन लैला मजनू को याद किए, जाने की बात थी, कईयों के आंसू बह चले, तो कईयों के होठ फट पड़ाए। मैं भी पीछे क्यों रहूं, उनकी ओर देख रोने लगा, नाच दिखाने वाला मुझे देख हंसने लगा। शायद लैला को मजनू मिल गया, शायद लैला को मजनू मिल गया, उसका प्यार उसको मिल गया। एक एक कर सब जाने लगे, मजनू के गम में रोने लगे,
मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी दास्तां अजीब है, मैं बयान नहीं कर सकता। अंतिम शेर इसका, हाँ, उसको मैं रोज़ ही देखा करता था, उसका मेरा घर पिछवाड़ा एक ही था, मेरी बाली उम्र थी, वह भी बाली उम्र थी, पहले इतनी समझ न थी, इतनी अकल भी न थी, हाफ पैंट पहनते थे, लड़का हो या लड़की यही पहनते थे, बुजुर्गों ने आम की जगह नीम का पेड़ लगाया हुआ था, शायद ताजमहल की तरह उनकी यादें भी यहाँ दफन हुई होगी, हम दोनों वहाँ बैठते राम भगवान की बातें करते रहते, न पिक्चर था न सिनेमा, नाटक हुआ करते, उन्हें देखने की उनकी चर्चा करते, एक दिन हम बतिया रहे थे, थोड़ा मैं समझता था उतना ही वो समझती थी, पता नहीं कैसे उसका हाथ मेरे पे पड़ गया, उसने हटाया भी नहीं, मैंने हटाने को कहा भी नहीं, बहुत देर हम बैठे रहे, कुछ मुझे अच्छा लगा, कुछ उसे भी अच्छा लगा, वो चली गई, जाते जाते कह गई कल आना, आज का खेल कल खेलेंगे, अभी जाती ही हूँ, कल मिलूँगी, मुझे भी पहली बार एहसास हुआ, मन में वह अस्पृश्य अच्छा लगने लगा, अब हम रोज़ मिलते हैं, कलियाँ फूल बन गई, फूल बड़े खूबसूरत होते हैं, बीते दिन याद दिलाते हैं, अब मैं खुश मन हो गया हूँ, इतना कि बता नहीं सकता, मेरी दास्तां अजीब है, मैं बयान नहीं कर सकता। इसका एक शेर और रह गया है, सुनिए, चलो कल दूसरे भाग में आपको सुना देंगे, दोस्तों ये आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।